हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। कक्षा 7वीं की गणित की आज की वर्कशीट या होमवर्क सॉल्व करेंगे। आज की डेट आपको लिखनी है यहाँ पर 28/10/21 अध्याय है सरल समीकरण। तो यहाँ पर समीकरण से चार सवाल ये आए हैं, चारों सवालों के हल देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, समीर के पिता की आयु 44 वर्ष है। समीर की आयु के 4 गुने से 4 अधिक है तो समीर की आयु ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा, देखिए माना कि समीर की आयु x वर्ष, पिता की आयु हो जाएगी 4x+4 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए 4x+4=44, 4x=44-4, 4x=40 और x=40/4, x=10 हो जाएगा, इसलिए समीर की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोहन के पास 56 कंचे हैं। यदि रोहन के पास मोहन के कंचों के 5 गुने से 6 हैं अधिक हैं तो मोहन के कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, माना मोहन के पास x कंचे हैं। प्रश्न अनुसार रोहन के कंचे कितने थे, तो रोहन के कंचे थे 5x+6, तो ये हो जाएगा 5x+6=56, 5x=56-6, 5x=50, x=50/5, तो x=10, यानी कि मोहन के पास 10 कंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजू और रमेश के ने एक बगीचे में पौधे लगाए। राजू ने रमेश से जितने पौधे लगाए उसके आधे से 4 अधिक पौधे लगाए। यदि राजू ने 24 पौधे लगाए तो रमेश ने कितने पौधे लगाए। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए माना कि रमेश ने x पौधे लगाए, तो राजू ने कितने पौधे लगाए हैं उसके आधे से 4 अधिक, यानी कि x/2+4। तो प्रश्न कह रहा है x/2+4=24, यानी कि राजू ने 24 पौधे लगाए थे तो x/2+4=24 करेंगे। x/2=24-4 हो जाएगा, x/2=20 हो जाएगा और x=20×2 यानी x=40 हो जाएगा। तो रमेश ने 40 पौधे लगाए। चौथा क्वेश्चन है, अंजू की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। यदि अंजू के भाई की आयु 20 वर्ष हो तो अंजू की आयु ज्ञात करो। आंसर हो जाएगा, माना कि अंजू की आयु x वर्ष है, उसके भाई की आयु हो जाएगी 2x-4 वर्ष। प्रश्न कह रहा है 2x-4=20, 2x=20+4, 2x=24 और x=24/2, x=12, इसलिए अंजू की आयु हो जाएगी 12 वर्ष। तो यहाँ 4 सवाल हमने कर लिए हैं गणित की कक्षा 7वीं के। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।